हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेयर कटिंग के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनकी हेयर कितने रूखे सूखे बेजान दिख रही है, जो कि दो मुंहे हो चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं बाल। तो इसलिए ये हेयर कट वन स्टेप में होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। हेयर की लेंथ काफ़ी लंबी है, इसे बहुत ही शॉर्ट नहीं करना है, इसे वन स्टेप में कट करना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनकी लेंथ बहुत सारे कस्टमर पसंद करते हैं कि लॉन्ग हेयर ही हमें स्ट्रेट कट ही अच्छे लगते हैं, जो कि वन स्टेप होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन हेयर पे भी हम वन स्टेप ही करेंगे। सो कटिंग करने से पहले फ्रेंड्स, हेयर अच्छी तरीके से ऑयल फ्री होनी चाहिए। जैसे कि ये घर से ही हेयर वॉश करके आए हैं, तो इन हेयर पे हम अच्छे से क्लीन वाटर के साथ गीले करेंगे, डिटेंगल कर लेंगे फ्रेंड्स का। सो फ्रेंड्स, जो भी अभी न्यू हेयर कटिंग सीखना चाहते हैं, तो ये हेयर कटिंग सबसे फर्स्ट में आपको करना होगा। जैसे कि वन लेंथ है ये, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ताकि आप इस तरीके की हेयर कटिंग से आप कटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में आप हेयर कटिंग करने जाओगे, तो किसी की भी हेयर को आप उनकी नीड के साथ ही कट करोगे, अपने मर्जी से नहीं कट करोगे, क्योंकि उनकी नीड जितनी होगी उतना कट करोगे, तभी आप उन हेयर को अच्छे से कट कर पाओगे और वो आपके पास दोबारा आ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें क्लीन वाटर से गीले करने के बाद मैं डिटेंगल कर रही हूँ, और इसे अच्छे तरीके से डिटेंगल करने के बाद ही हेयर को कट करूँगी। सो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगी हमारी वीडियो। जो फर्स्ट टाइम हेयर कट सीखना चाहते हैं या फिर किसी का हेयर कट कर रहे हैं, तो ये वीडियो देख लीजिए आप, ताकि आप अच्छे तरीके से हेयर को कट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में हमें सीखना होता है कि अच्छे तरीके से डिटेंगल करने के बाद हम वन स्टेप कैसे करते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप हम लेंगे, और सबसे पहले हम बीच का स्टेप लेंगे, जो कि बीच की लेंथ थोड़ी सी लंबी ज़्यादा होती है, तो हमें मेजरमेंट वहीं की हेयर को करनी है, ताकि हम सारे हेयर को अच्छे से बराबर कर लेंगे। अगर हम साइड की हेयर को कट पहले करते हैं, तो उस तरीके से लेंथ काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि साइड वाले हेयर थोड़े से शॉर्ट होते हैं और तो मुँहें उसमें ज़्यादा होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे टिप्स पर ध्यान देना होगा आपको। थोड़े से हेयर को कट करने के बाद मैं उसी को गाइडलाइन मानकर सारे हेयर को मैं कट करूंगी। सो बहुत ही कम हम शॉर्ट कर रहे हैं इस हेयर को, क्योंकि ये हल्के से नीचे पीले पड़ जाते हैं बाल, दो मुँहे हो जाते हैं, बस उसी को कट करवाना है इनको। सो मैं उतना ही कट करूंगी, ताकि इनके हेयर थोड़े से इक्वल हो जाए। इक्वल हेयर कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स, इसे स्ट्रेट कट भी बोल सकते हैं, वन लेंथ भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे लोग इस कटिंग को बराबर बोलते हैं, कि हमें हेयर को बराबर कर दीजिए, हमें बराबर करवाना है और बहुत ही कम शॉर्ट करना है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करें फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आगे भी बताऊंगी कि बहुत ही कम हेयर कटिंग करने के बाद भी आप अच्छे से स्टेप दे पाएंगे। जैसे कि मैं इस वीडियो में तो स्ट्रेट कट की हूँ, इसे वन लेंथ हम बोलते हैं। तो फाइनल लुक मैं अभी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से इनका हेयर दिख रहा है। तो जो भी नीचे से दो मुँह बाल थे, रफ बाल थे, वो सारे हट गए, अब इनके हेयर थोड़ी सी इक्वल दिखाई दे रही है। सो आप 2 से 3 मंथ में आप इतना कट करवा सकते हैं, जो कि आपके नीचे से फ्रीजनेस वाले हेयर कट होते हैं। आप चाहो तो इतना अगर कट करते हो, फिर भी ये हेयर बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि जितने भी हेयर फॉल होती है, एक एक करके सारे हेयर स्कैल्प से निकलते रहती है। सो फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि हमारी लेंथ कितने में सही लगेगी। ये दूसरे हेयर कट है फ्रेंड्स, जो कि इस हेयर कट में हम बहुत ही हेयर को शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर भी जितनी लेंथ है उसके आधी ये शॉर्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं इनको दिखाकर ही कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। हमारे पार्लर पे जो भी वीडियो शूट होती है, जो भी हेयर कट हम करते हैं, फेसियल करते हैं, मेकअप करते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, जो भी वीडियो हम शूट करते हैं फ्रेंड्स,
जिनके वीडियो हम शूट करते हैं फ्रेंड्स, उनकी इजाज़त लेके ही करते हैं। जो भी क्लाइंट हमारे पास वीडियो शूट करवाए हैं, सबकी इजाज़त के साथ ही हम वीडियो शूट करते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि इस पार्लर में वीडियो शूट होता है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं है, अगर आप चाहें तो वीडियो नहीं भी शूट करवा सकते हैं, आप अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं। सो कुछ लोगों की बातें हैं बोलना, उनको बोलने दीजिए। बट हम जो भी वीडियो हम अभी तक अपलोड किए हैं, सारे क्लाइंट के इजाज़त से ही किए हैं फ्रेंड्स। सो ऐसी बात नहीं है जैसे कि आप चाहें तो आप शूट करवाएं, ना चाहें तो नहीं भी करवा सकते हैं। काफ़ी सारा वीडियो हेयर कटिंग की ही मिलेगी फ्रेंड्स, जो कि आप हमारे चैनल्स के माध्यम से सीख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हेयर को कट कर सकते हैं। जो भी हम हेयर कटिंग की वीडियो अपलोड किए हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, फीडबैक मिला हमें काफ़ी अच्छा, जो कि हम उससे मोटिवेट हो सकें। तो इस तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमें कमेंट जरूर करिएगा किस चीज़ की वीडियो आपको चाहिए पार्लर से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, इनकी लेंथ आप देख सकते हैं कि हमने कितनी शॉर्ट की हूँ। अब मैं इस लेंथ को शॉर्ट करने के बाद मैं अच्छे तरीके से रीचेक कर लूँगी, ताकि जो भी हमारे ऊँचे नीचे हेयर हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। और फ्रंट से मैं कुछ स्टेप दूंगी जो कि इनके फेस पे सही लगे। वन लेंथ हेयर कटिंग में फ्रेंड्स, आप एयर टू एयर लेयर दे सकते हैं, एयर टू एयर कोई भी हेयर स्टाइल दे सकते हैं जो कि इनके ऊपर अच्छी लगेगी। तो फेस के अकॉर्डिंग आप हेयर कट करें फ्रेंड्स, जो कि फ्रंट से करने जा रहे हैं। जो भी ऊंचे नीचे बाल थे फ्रेंड्स, मैं अच्छे से इक्वल कर रखी हूँ। उसके बाद मैं एयर टू एयर लेयर दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एयर टू एयर के मतलब होता है कि आप दोनों एयर के पास से एक लाइन क्रिएट करेंगे, उसके बाद हेयर को कट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसे भी आप गाइडलाइन थोड़े से निकाल लेंगे ए सेक्शन में। ए सेक्शन में गाइडलाइन निकालने के बाद ही आप लेंथ कितनी रखनी है फ्रंट से, ये आप अच्छे से डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद हेयर को कट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं टुड्डी के अकॉर्डिंग हेयर को कट कर रही हूँ। उसके बाद मैं बीच से मांग निकालूंगी और दोनों साइड के हेयर को मिलाऊंगी। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था गाइडलाइन का, उसी के अकॉर्डिंग हम एयर टू एयर हेयर को कट करूंगी लेयर के रूप में। थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी होती है हमें, फ्रंट नोज लेवल पे लाके आप तिरछी कटिंग कर देंगे तो ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और काफी प्यारा लगेगा ये। अगर आप फ्रंट में लाकर नोज लेवल पे आप स्ट्रेट कट करते हैं तो थोड़ी सी हेयर शॉर्ट दिखाई देने लगेगी फ्रेंड्स। अगर आप तिरछी कटिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग लेयर इसमें आपकी हो जाएगी और काफ़ी प्यारा लगेगा ये लुक। मैं फाइनल लुक बहुत जल्द ही दिखाने वाली हूँ कि इनकी हेयर किस तरीके से दिख रही थी। साथ साथ में मैं नोचिंग भी करते जाऊंगी और अच्छे से लेयर ये मर्ज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में ये हमारा हेयर कट हो चुका था। अगर इस तरीके की हेयर कटिंग सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। आप जैसा हेयर कटिंग सीखना चाहते हैं फ्रेंड्स, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फाइनल लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनकी किस तरीके से आई थी और काफी प्यारी लग रही थी।
लेयर कितनी प्यारी आई है फ्रेंड्स। आप इसे जिस तरीके से रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, या फिर सीधी मांग में भी आप इनकी दोनों साइड से लेयर आएगी, और अगर आप साइड की मांग निकालते हैं तो एक साइड ज़्यादा आएगी और एक साइड लेयर थोड़ी कम आएगी, क्योंकि जिधर की ओर बाल ज़्यादा होगी उधर की ओर लेयर काफ़ी सुंदर आएगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।